हेलो दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इस तरह के बॉर्डर को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं और मटेरियल कैसे डालते हैं। और अभी इस वीडियो बताने वाला हम लोग इसके अंदर लाइटिंग कैसे करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो लाइटिंग होती है, स्टूडियो लाइटिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में बताने वाला। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। लाइटिंग का क्या मतलब है, जैसे कि अगर समझ लो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो बॉटल का जो रिफ्लेक्शन होता है, अभी इसका रिफ्लेक्शन तो पता नहीं चल रहा है। हम लोग रेंडर भी करेंगे क्योंकि आजू बाजू कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट। जब तक तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब तक तो हम लोग को इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को इसके रिफ्लेक्शन के लिए एक स्टूडियो सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करते हैं हम लोग। इसके हमें पीछे की तरफ बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस पीछे की तरफ एक प्लेन वाइट वॉल बना लेनी है। इसको व्हाइट मटेरियल दे देते हैं, यहाँ से दे दिया इसको व्हाइट मटेरियल एंड पीछे वाला बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, ठीक है। अभी सामने की तरफ हम लोग को चाहिए रहेगा लाइट। हम लोग लाइट यूज कर सकते हैं, प्लेन लाइट। एक प्लेन लाइट मैंने ऐसे ही लिया, फिर सिर्फ उसी का कॉपी ऐसे यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसको टॉप से देख लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ इसके सामने, इसका जो बैकग्राउंड है इसके पीछे, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं फ्रंट से पर्सपेक्टिव, शिफ्ट एफ, कंट्रोल सी, कैमरा बना लिया मैंने। शिफ्ट एफ से क्या किया मैंने, फ्रेम बनाया मेरा जो रेंडर फ्रेम होता है। रेंडर फ्रेम के बारे में अगर आपको जानना है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, ठीक है। तो अभी अभी इसको हम लोग रेंडर सेटअप करते हैं एक। फिलहाल तो क्वालिटी में यही रख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाएगा रेंडर में, काफ़ी हाई रखूँगा तो मैं इधर बकेट रेंडर रख रहा हूँ और इधर पे इसको कर रहा हूँ एड्रेस मैप। और थोड़ा सा डेप्थ की ज़रूरत होगी, यानी कि तो ऑक्लूजन यहाँ पर रख देते हैं। अरे फिलहाल जैसा है वैसे रेंडर करके देखता हूँ क्या हो रहा है। इधर पे अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही लाइट आ रही है, तो यानी कि लाइट का पावर कम है, कम करना होगा। लाइट है 30, उसको मैं करता हूँ 22 एंड फिर से ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो बॉटल का जो आ रहा है लाइंस जो होती है वो दिख रही है, मगर जाके सिर्फ बहुत ही नज़दीक नज़दीक आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, उसको हमें दूर दूर करना होगा। तो दूर दूर करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने टॉप से, और दूर दूर कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा इसकी लाइट को हम लोग नज़दीक भी लेके आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। एंड थोड़ा हम लोग इसकी साइज़ को भी हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से ऐसे बढ़ा सकते हैं लाइट की साइज़। ओके अभी एक और बार चेक करते हैं रेंडर करके। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटल का एक जो रिफ्लेक्शन वाला होता है इफेक्ट, वो रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट बॉटल के ऊपर आ रहा है। बॉटल के ऊपर ये देखिए, मगर अभी देखो इधर पे थोड़ा सा कम रिफ्लेक्शन आ रहा है जो हम लोग को चाहिए अपने बॉटल के ढक्कन के ऊपर। उसका ढक्कन का जो मटेरियल है थोड़ा सा कम रिफ्लेक्टिव है, इसकी वजह से इसके रिफ्लेक्शन में कमी है। तो इसका मैं फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं अपना रिफ्लेक्शन अपने हिसाब से दूंगा और रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है कि ये इसको पिंग पोंग, ओके। और ऑप्शन में यहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं तो उसको मुझे बंद करना होगा।
0 0, ओके ये भी सही है, अभी ये परफेक्ट 0 0 में आ गया। ओके तो अभी इसके अंदर मेरे को चाहिए वो जो मैंने यहाँ पर दिया था मटेरियल इसके अंदर। ओके अब सही है, अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं अभी कैसा रेंडर आ रहा है। अरे काफ़ी फ्लैट आ रहा है बॉटल ढक्कन में, तो बॉटल ढक्कन में का पूरा मटेरियल मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ फिर से रीसेट। ठीक है रिफ्लेक्शन में ये फिर थोड़ा सा ग्लॉसनेस चाहिए हमें इस तरह से, एंड रेंडर। ये देखिए वाटर के ढक्कन के ऊपर भी इफेक्ट आने लग गया। हम लोग इधर के इसके अंदर जो होता है रेंडर फ्रेम बफर में, इसके अंदर हम लोग इसका एक्सपोजर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग को एक्सपोजर चाहिए थोड़ा बढ़ाना है एक्सपोजर को यहाँ से, या फिर हमें जो इसका सेचुरेशन है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा सिचुएशन चाहिए बॉर्डर का। यहाँ पर लेवल्स भी मिल जाते हैं, कलर बैलेंस भी मिल जाता है कलर बैलेंस के जरिए, नहीं कलर बैलेंस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कर्व भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ये देखिए बॉर्डर का पूरा इफेक्ट आ रहा है इधर पे, एंड लोगो भी यहाँ पर दिख रहा है, और इसके ढक्कन पे भी इफेक्ट आ रहा है, एंड बॉटल के ऊपर भी ढक्कन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी में निकालता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे इसका इफेक्ट हमें। इधर से हम लोग वाइट बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बर्न आउट हो रहा है कुछ चीज़, तो मैं उसको वाइट को वाइट दिखाने के लिए प्रॉपर वाइट बैलेंस हो जाएगा यहाँ से। ओके ये रहा बॉटल का रेंडर सेटअप। ओके फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि इस तरह से हम लोग रेंडर सेटअप कैसे कर सकते हैं और रेंडर निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।